नवराज भाई नवराज यस यस कम टुगेदर यस कम कम थोड़ा और अंदर ओके यस यहाँ पे लेके थैंक यू वाइट चलो क्या कहना चाहिए किस तरह का ये सॉन्ग है क्या मोटिव है इस सॉन्ग के पीछे अच्छा मैं तो सब कुछ बताऊंगा सबसे पहली बात है कि ही इज़ माय बिग ब्रदर नवराज बाजी पहले इनकी बाइक ले लीजिए नवराज जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस सॉन्ग लॉन्च के लेके यश जी का जो सॉन्ग आ रहा है माइक पर क्या कहना चाहेंगे मैं बहुत खुश हूँ मेरा छोटा भाई है और बहुत मेहनती और बहुत सुरीला आर्टिस्ट है और आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल मेरा भी गाना भी 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ है तो उसकी दो लाइंस के साथ हम पार्टी का आगाज करते हैं ओ चल कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार चल कुड़िए नी चल हो तैयार देसी दारू इंग्लिश बार छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे छोटे पैग मार छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे छोटे पैग मार क्या बात है दिस इज हाउ वी गोना स्टार्ट द पार्टी मैन बहुत ही हिट सॉन्ग है हनी पाजी का म्यूजिक है और नवराज पाजी ने गाया बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी बहुत अच्छे खासे मिलियन हो गए तो मुझे गॉड ब्लेस यू ब्रदर आप इको टाउन तो हां इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा मेरे जब बॉम्बे में जब मैं आया था तो मेरे 5-6 अजीज लोग थे मीका पाजी हो गए और जैसे नवराज पाजी और अभी तो बहुत सारे लोग जानने लगे हैं बट जो अजीज हैं उनमें से एक हैं वाली सो थैंक्स टू हिम कि आज वो आए यहाँ पे मेरी पार्टी सक्सेस है एंड आई एम सो हैप्पी कि सभी लोग गाना अपना कुछ सब लोग कर रहे हैं कोशिश के हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन ये बहुत मेहनती बंदा है और बड़ा सुरीला आर्टिस्ट है मैं 6-7 साल से देख रहा हूँ और रब सारे नु भाग लावे जेड़ा भी बंदा मेहनत करता है मैनू भी 7 साल लगे पहला गाना मिलने सो इट्स ऑल राइट इट टेक्स टाइम किस तरह की एल्बम है ये एल्बम थोड़ी अलग टाइप की है पंजाबी एल्बम है बट सो इसको मैंने जो गाया है बहुत सिंपल गाया है थोड़ा ऑटो ट्यूनर लगाया जो टीपेन जैसे यूज करते हैं थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक है हनी पाजी की तरह अच्छा सुरीले लोग तो ऑटो ट्यूनर को जायज सुरीला कोई चक्कर नहीं और मैं बड़ा ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैंने गाना सुना आज ओह माय गॉड और वीडियो बहुत इसने थोड़ा मुझे वडाली साहब से पाजी के पापा जी से पाजी से यही डर लगता है कि ये सीधे ऐसे गाने क्यों गाता है ऐसा ना कहीं बोल रहे नहीं नहीं ऐसा पैसे भी कमाने हैं ना जिंदगी से थोड़ा कमर्शियल करके देखना पड़ता है नहीं बहुत जैसा कि यश आपने सूफी सॉन्ग बहुत अच्छी तरह सीखा है वडाली ब्रदर्स से उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें कुछ मेमोरीज या कुछ जो आप मैंने सूफी क्लासिकल वहीं से सीखा है तो ऑफ कोर्स मैं उनकी तरह गा नहीं सकता क्योंकि उनकी जितनी मेहनत हम कर नहीं सकते अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है लोग जो पसंद करते हैं हम चाहते हैं कि हम उनको वो दे सकें तो जो अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है तो जो वडाली साहब ने कर दिया जो हंसराज जी ने कर दिया वो हम नहीं कर सकते जो उन्होंने कर दिया दे आर लीजेंड तो अगर हमें इस इंडस्ट्री में जगह बनानी है तो हमें इंडस्ट्री के साथ थोड़ा चलना ज़रूरी है मेरे को ऐसा लगता है शायद और कंपोजिशन की बात की जाए तो आपकी इसमें कंपोजिशन भी बहुत अच्छे कंपोज किया आपने तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरह इस तरह कैमरा कैमरा लुक चाहिए मुझे अच्छा इसकी इंस्पिरेशन मिले जो आप शेयर करना चाहेंगे अच्छा मैं वैसे एक दो लाइनें गा देता हूँ लाइव गाने वाला इतना है नहीं है गाना बट मैं फिर भी गाना गा देता हूँ आप मेरा सुनने के बाद यूट्यूब पे ज़रूर सुनिए सुनता जरात दी बला मुखड़ा तेरा चन ही निरा गोरी गोरी तू आपे पट लो क्रेजी मैं होया तखता जरा वाह जसपिंदर जी भी आ गए जसपिंदर जी आ जाओ माड़ा जा तुसी नाल आ जाओ जी सर राइट में सर सही आप
First of all, I want to congratulate Yash on his this new venture. And I'm sure it's going to be rocking, it's going to be good. He's a good singer. He's a very talented guy that I see. And he's got a good future. And I wish him all the luck, all the best, all the success. And I know he's going to rock. बस मुझे दीदी का आशीर्वाद चाहिए जो भी है बस मेरे आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच Our talent Yash Wadali, Venus continuously launch कर रहा है brilliant singers and brilliant performers. क्या कहना चाहेंगे आज High Crush के launch के बारे में? देखिए High Crush खाने सबसे पहले तो मैं Yash के बारे में बात करूँगा क्योंकि ये बहुत talented है इनकी पहले भी काफी album release हुई है और मेरे ख्याल से दो चार एल्बम पहले भी रिलीज़ हो चुकी है लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है और ये इस बार मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी पूरी ताकत लगा के जो गाना बनाया ना वो बहुत खूबसूरत बना है जो मेरी पसंद का है कि मुझे पहले ही मुझे खुद अपने आप को मेलोडी लिरिक्स और उसका पूरा ऑर्केस्ट्रा वगैरह मुझे जिस तरह चाहिए वो ये इन्होंने किया आपके बाद और पिक्चराइजेशन में भी रॉय हमारे जो डायरेक्टर हैं हमारे हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्होंने इतने खूबसूरती से एक नई लड़की क्रिस्टिना को इंट्रोड्यूस किया इनके साथ वो बहुत खूबसूरत बन पड़ा हाँ गाना इसलिए अलग साउंड कर रहा है क्योंकि मेलोडी बहुत साथ में उसके अटैच हुई है और ऑर्केस्ट्रा एकदम मॉडर्न आज का मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा है और ये तो खुद भी हीरो भी दिखते हैं तो मतलब इनको तो लॉन्च हो जाना चाहिए अब तक वेट क्यों कर रहे हैं इतनी लंबी हाइट है मेरी होती तो मैं हीरो बन जाता तो इतनी अच्छी हाइट है इनकी और ये मतलब इतने खूबसूरत दिखते हैं और तो इसमें एक यूनिक बात यह है कि ये मतलब पूरा ब्लेंड हो गया जैसे गाना है वैसा ही शूट हुआ है ना तो उसके लिए वो ब्लेंड हो गया गाना बहुत अच्छा लगा मैं तो एक टाइम पे जब पंजाब में होता था सोचता था ओ वाओ वीनस कंपनी वाओ क्या बात है तो आज वीनस के मालिक ही खड़े हैं तो मेरी तो बोलती बंद हो गई है पहली बात तो दूसरी बात ये कि इन्होंने मुझे लॉन्च किया है इन्होंने इतना अच्छा ये सब अरेंज किया सो आई एम सो हैप्पी कि ऐसे ही आगे मुझे मौका देते रहें अपनी फिल्मों में अपने गानों में ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूँ सो मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए थैंक यू आई एम सो हैप्पी कि मेरे पहले ये गाना मेरे डैड ने गाया था टूटे टूटे हो गया और वही गाना छोटे छोटे पैग मुझे गाने का मौका मिला सो इससे बड़ी फीलिंग कोई नहीं हो सकती एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यो यो हनी पाजी दैट ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड टी सीरीज एज वेल अपने डैडी जी से वो मेरे उस्ताद हैं मेरे गुरु हैं मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैंने सारी ज़िंदगी उनको आइडलाइज किया है आई थिंक फॉर मी ही इज़ द बेस्ट एंड ही इज़ द बेस्ट एक्चुअली सो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव में कैसे रहना है गाना कैसे गाना है मैं जो भी हूँ सिर्फ उनकी बदौलत जर्नी की बात करें तो आपकी पूरी फैमिली सूफी सॉन्ग या एक म्यूजिक हाँ जी 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 मुझे मुझे ऐसा मुझे वो अपॉर्चुनिटी जो मिली है आई एम सो लकी बट मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए सूफी या रॉक सिंगर या पॉप सिंगर या जैज सिंगर या फोक सिंगर ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने 10-12 साल इसी चीज़ का रियाज किया कि मैं वर्सेटाइल सिंगर बन सकूँ इसीलिए मैं फ्लाइंग जट में भी गाता हूँ जाकर राखे साइयां मार सके ना कोई वही मैं गा रहा हूँ
chote chote peg mar mein bhi chote chote. So there are a lot more to come, and I'm hoping the best. ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਗੀ ਬਣਾ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਹੋ ਤਿਆਰ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰ ਚੱਲ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਹੋ ਤਿਆਰ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਗ ਮਾਰਵੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਗ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਗ ਮਾਰਵੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਗ ਮਾਰ इस चीज़ का मुझे पता नहीं था. मैं अभी अपना टूर करके आ रहा हूँ. आई वॉज़ इन कैलिफोर्निया एंड मुझे इस चीज़ का अभी मैं आज ही लैंड किया हूँ, तो मैं अभी देखता हूँ कि क्या क्यों क्या कारण था. बट जैसे भी आएगी, जब भी आएगी, आई एम श्योर कि इट्स गोना बी अ सुपर हिट फिल्म. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. क्या होता है ना कि जब आपका कोई प्रिय सक्सेस की तरफ बढ़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी घर वालों को होती है. तो मतलब उस खुशी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहला स्टेप चढ़ चुका है, यू नो. तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई. और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि उसका सॉन्ग को बहुत पसंद किया जाए. आप सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो. और भी बहुत सारे खूबसूरत गाने लेकर वो आ रहा है. बस हम वेट करेंगे ऐसे ही बार बार मिलने का और उसको तरक्की की ओर जाते हुए देखने का. आपने उन्हें स्क्रीन पे भी देखा होगा कुछ टीज़र में, तो किस तरह लगे आपको स्क्रीन पे? सॉन्ग सुन के आपने सुने ही होंगे, स्क्रीन पे किस तरह लगे? क्या होता ना कि अब हम तो एक्टर हैं, जब हम किसी सिंगर को स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें लगता है यार ये एक्टर वाला काम भी सिंगर लेके चले जाएंगे क्या. लेकिन मतलब ये मैं अपने दोस्त को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं है, लेकिन वो बहुत डैपर लग रहा था और अच्छा लग रहा था. उसने अच्छा एक्ट भी किया है और गाता तो माशाल्लाह अच्छा ही है. तो बस आपके जैसा बात की जाए, आपके बहुत करीबी रहे हैं और हाइक जिस तरह टाइटल है, उसके बारे में कुछ उनकी क्रश के या कुछ ऐसा कुछ आप बताना चाहें हमें? तो अब जो ये इनका टाइटल है हाई क्रश, अब ये क्रश है ना, बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ होती है. आपको किसी के साथ भी क्रश हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है आप अपनी कि आपको किसी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ क्रश हो. क्रश बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. आपकी कामयाबी के लिए क्रश हो सकता है, आपके काम के लिए हो सकता है. तो जिसको जिस वे में लेना है उस वे में ले सकता है. बस यही कहना चाहूँगा. सर आप क्या कहना चाहेंगे यश के सॉन्ग? मैं तो ये कहूँगा जो लास्ट उसका सॉन्ग आया था किसको पता, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसको पता के जो रिकॉर्ड है 4 मिलियंस के, वो भी ये रिकॉर्ड तोड़ेगी हाई क्रश. ये सचमुच पब्लिक के लिए हाई क्रश होगा और लोग यश के लिए क्रश हो जाएगा उनके लिए, यश वडाली के लिए. तो मैं लोगों से कहूँगा कि लोग ज़्यादातर लोग जो है इसको जाएँ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और यश के जो भी आने वाले गाने हैं उनको सुने और मजे ले जिंदगी का. थैंक यू. थैंक यू. यश का रिसेंट एक सॉन्ग आया था किसको पता, इट डिड रियली वेल. और उसके बाद इससे और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं एंड आई एम श्योर ही इज़ गोना लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. और हाई क्रश भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही लोकप्रिय होगा जितना किसको पता था. सो ऑल द बेस्ट टू यश. उनके तो लेटेस्ट उनके सॉन्ग्स ऐसे ही होते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं वैसे होते हैं. इल हैव अ लॉट ऑफ गुड बीट्स जिस पे आप डांस कर सकते हैं और गुड लिरिक्स आल्सो. सो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम दिस, गुड लिरिक्स, गुड डांस एंड गुड डांस मूव्स विद यश एंड सम ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वीडियो. यश, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस सॉन्ग एंड होप यू डू मोर सिंगल्स लाइक दिस इन द फ्यूचर. और आप बस चक दे पड़े करते रहना ऐसे ही धमाल. थैंक यू सो मच. So I'm really excited for his new song. I've heard his previous songs also and he has a very soulful voice and as he sings in Punjabi, English and Hindi, all the languages. So I'm looking forward for this new track which is getting launched today, High Crush, so that we all can get high on the song. आपको किस तरह का सॉन्ग्स पसंद है देखा जाता है? सो आई पर्सनली लाइक वेरी लाइक सोलफुल सॉन्ग्स. सो आई लव रिचा चड्डा'स वॉइस, द वे शी सिंग्स.
I love those sort of songs. Kabira is one of my favorite number. In future, अगर आपको गाने का मौका मिले तो आप गाना चाहेंगे? I'm a very bad singer. I think audience will run away if I start singing. But I've tried recently. I've like learned the basics. So I, as an actor, I keep on trying. उनका डायरी की बात करें किस तरह की मूवी है किरदार आपका? It's a suspense thriller, I'm sure, agar aapne dekha ho to. And I'm playing Sarah in the film. Sarah is very, she's a very bubbly girl, she's a roadie in the film. And she goes to this club called Vodka Diaries, jahan par jaake fir murder mysteries and all hote hain. And so as an actor, I got to play different sort of emotions. I played intense, there was a scene where I was completely intense, and you know, then there was a scene where I was completely bubbly. So you'll see that change when you go to watch the film. I wish Yash Wadali a very all the best, and जैसे कि नाम खुद ही suggest कर रहा है High Crush, I'm sure it would be an amazing number, an amazing dancing number. It's a number which I listen to, and again I just want to wish him a very good luck. I'm sure ये बहुत बड़ा hit होगा. So screening की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत screening है इस पे Yash Wadali की. उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप कितने excited हैं इस film को लेके? Actually, I'm really excited क्योंकि कोई भी नया song आता है तो एक नई freshness आती है उसके साथ में, and then you have more the reason to enjoy, you have more reason to dance on it. And और उसकी जो screening है, I'm really looking forward to it क्योंकि जैसे नाम High Crush है तो excitement भी है और बहुत ज़्यादा expectation भी है. I hope कि ये बहुत बहुत ज़्यादा hit हो. Digital platform की बात करें तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, देखा जाए तो फिर newcomers को काफ़ी अच्छे chances मिल रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है देखा जाए तो. यू आर सो राइट. एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के टाइम में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सभी टैलेंट के लिए कि किसी के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है कोई मुझे चांस देगा कि नहीं देगा. आप में टैलेंट है, प्लेटफॉर्म इज़ देयर फॉर यू. जस्ट शो ऑन योर टैलेंट एंड डिजिटल मीडिया विल मेक यू फेमस इन नो टाइम. थैंक यू सो मच. यश वडाली के मैंने पहले भी गाने देखे हैं और सुने भी हैं. राहुल जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस सॉन्ग लॉन्च के बारे में? हाई क्रश जो आज लॉन्च हो रहा है, यश जी को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यश वडाली को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा और चंपक जी को जो वीनस के मालिक हैं उनको भी. और मैं ये विश करता हूँ कि हाई क्रश जो है बहुत बड़ा हाई क्रश हो जाए लोगों के लिए और बहुत बड़ा हिट हो जाए. यश वडाली एक बहुत अच्छा सिंगर है, अपकमिंग सिंगर है, 3-4 एल्बम उसके देख चुके हैं, सुन चुके हैं. इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और इतनी अच्छी कंपनी के साथ आ रहा है तो इट हैज़ टू बी अ बिग हिट. थैंक यू. Ready? श्रद्धा जी क्या कहना चाहेंगे आज की इस हाई क्रश सॉन्ग लॉन्च के बारे में? I would just like to wish them all the very best. I have seen a teaser of the song and the song looks really beautiful. He has a wonderful voice, and since Champak ji associated with it, and he has always been you know, really wonderful in taking out some really wonderful talents. My mom has been a very very big fan of Wadali brothers, and so it's Yash Wadali, so I'm looking forward to a wonderful wonderful song. हाई क्रश, एज आई सेड, आई सीन द टीजर ऑफ दिस सॉन्ग. इट इज हाई ऑन रोमांस एक्चुअली, सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट बिकॉज आई एम ईगरली वेटिंग टू सी द एंटायर सॉन्ग. सो वंस आई सी इट आई कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट.
डिजिटल प्लेटफॉर्म इज रियली रियली बिग, इट्स वेरी बिग, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म में चले जाएं लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका ऐसा होता है, इट गिव्स यू मोर स्कोप, मोर लाइक मोर पीपल कैन सी यू, मोर पीपल कैन नो अबाउट यू, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रियली मैसिव. बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो भी सोचते हैं वो आप इस मीडियम के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं. सो एंड दिस इज़ वेरी इजी, सो इट्स रियली नाइस, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल. I am very excited because मैं संजय लीला भंसाली जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके कैनवस बहुत बड़े होते हैं and I'm looking forward for the film and I wish the entire team of पद्मावत all the very best. मेरे न्यू प्रोजेक्ट्स में एक हिंदी फिल्म है जो इस ईयर रिलीज होने वाली है एंड देर कपल ऑफ सॉन्ग्स जो आप देखेंगे जल्दी. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी यश मेरे ब्रदर को और साथ ही साथ चंपक जैन जी को जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उनके प्रोड्यूसर्स विनिल गुप्ता और प्रिया गुप्ता को. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं बता दूं कि इससे पहले यश का जो लास्ट सॉन्ग रिलीज़ हुआ था किसको पता टी सीरीज़ की तरफ से उसमें आई वॉज़ द को प्रोड्यूसर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाई क्रश में यश क्या करने वाला है आज हम देखेंगे. एंड आई वॉज़ ट्रैवलिंग तो मैं सुबह गाना लॉन्च हुआ तो अभी तक देख नहीं पाई हूँ. आई एम श्योर इस ये भी बहुत ज़्यादा रॉक करेगा गाना. जी सर, लाइक उनके गानों की जो प्रोग्रेस हो रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने ऐसे उनको क्या कंसल्ट करेंगे? Actually, as a producer, actor, socialite, I always promote talent. और हमारी NGO की तरफ से माना गया है कि जब भी कोई ऐसा सिंगर हमें दिखता है कि जिसके लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो हम करते हैं. तो यही रीज़न था कि लास्ट उसके प्रोजेक्ट में भी मैंने इनिशिएटिव लिया. एंड मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, एंथुजियाज़म है. तो यश वडाली आने वाले टाइम का एक अरिजीत सिंह बन के उभरेगा. मैं उसको ये उसके लिए विश करती हूँ और दुआएँ देती हूँ. I just first of all I congratulate my brother Yash Wadali. He's an amazing singer and song. I hear that song is an amazing song. This song will be rock. It's amazing. First of all, his voice is amazing, superb voice, and he sings from heart. And if you sing from heart, it's a kill with heart. Thank you very much. क्या कहना चाहेंगे आज यश के? See, he's a very prominent singer. I can say one thing, and very assured talent. और चंपक जी जो कि बहुत टाइम से यंग टैलेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं और आज हाई क्रश मैंने कल इसका एक टीज़र देखा था जो कि चंपक जी ने शेयर किया था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. और मैं ये सोचता हूँ कि शायद यश का तो खैर फ्यूचर अच्छा है ही है, ये सिंगल भी बहुत अच्छा करने वाला है. तो जैसे आपकी तरफ से कोई उनको टिप्स या कुछ जो आपको उनकी तरफ से? फॉर मी, मैंने अभी 2 साल पहले यश के साथ कुछ स्क्रैचेस बनाए थे तो मैंने उसको कुछ गाइड किया था. और मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि जो उसके फोर फादर्स हैं, पेरेंटल्स हैं, जो कि वडाली फैमिली है, जो ऑलरेडी क्लासिकल के लिए वेल नोन है, सूफी उनका स्टाइल है, यश मुझे लगता है कि उस जो आप कह सकते हैं सोवेनिटी को आगे लेके जाएगा. एंड फॉर मी ये हाई क्रश जो सिंगल है आज चंपक जी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं सब लोग, यश और चंपक जी को बहुत बहुत बधाइयाँ. एंड आई विश कि अच्छा करें, जैसे कि आजकल गाने बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगल्स आ रहे हैं वो फिल्म म्यूज़िक से बढ़िया कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी उतना ही अच्छा करेगा. जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए, यंगस्टर को उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? सी, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो कैसे है कि जो यंगस्टर्स हैं वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं.
मतलब बेसिकली क्या है कि टैलेंट के साथ साथ जो तैयारी है, जिसको बोलते हैं आप एक्सपीरियंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप बहुत जल्दीबाजी ना करें, अपने म्यूज़िक पे ध्यान दें। और जैसे यश को भी आप देखिए, आज 5-6 साल हो गए हैं लगातार यहाँ पे काम करते हुए, और आज वो इस मुकाम तक पहुँच पाया। तो जितना आप अपने म्यूज़िक को टाइम दे पाएंगे, जितना एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा, उतना आपके टैलेंट को मैच्योरिटी मिलेगी। और फॉर श्योर ये जो नंबर्स हैं, जो कि डिजिटल नंबर्स हैं, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत मायने नहीं रखते। आपका टैलेंट, आप ग्रो करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आप एक ना एक दिन इस मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। यश के लिए कोई वेल विशेस देना चाहेंगे? यश के लिए एक ही वेल विश है कि आई विश ये उसका सॉन्ग मिलियंस में पहुँचे। और जो लिसनर्स हैं, जो मेरे अपने पर्सनल म्यूज़िक के फैंस हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि मुझे पता है वो एक बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसको अप्रिशिएट करें, उसका म्यूज़िक सुनें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमर साइड हो जाए। An amazing singer, a great human being, but I'll tell you what's so special about this guy is he is from a small town of Jalandhar from Punjab, but had dreams of becoming a great singer in the city of dreams, Mumbai. And it takes a talent to find a talent. Wadali Brothers prodigy, Mr. Yash Wadali, ladies and gentlemen, please put your hands together. And can I get an extra mic, please, here very quickly? You got it. Oh, great. So, yeah, don't go on the height. He's an amazing person. He loves me also, so don't worry. Yash, we know that your actual name is not Yash Wadali. So how does the journey begin? Can you please tell all of us? जो मेरा नाम है, सबसे पहले मैं सबको वेलकम करता हूँ, जितने भी यहाँ पे आए हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, सब जो मेरे कर्ता दत्ता विनील भाई, सबको मैं तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आए। अब मैं बताता हूँ कि ये मेरा गाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी लाइफ का ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी पूरी लाइफ का, मेरे 28 साल में ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे अपने लोग आ गए, तो मैं जो मेरे वडाली साहब हैं वो तो नहीं आ पाए, बट जो मेरा नाम है यशपाल सिंह है, बट मेरा वडाली नाम उनसे मिला है, तो मेरे को बहुत खुशी है, बहुत प्राउड है कि मेरा नाम यश वडाली है। थैंक यू। थैंक यू यश, बट एज वी नो यू हैड अ ग्रेट फर्स्ट सिंगल, किसको पता, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट हाई क्रश? वो गाना मेरे लिए बहुत अजीज था, वो भी विनील भैया ने, प्रिया गुप्ता जी ने किया था, वो भी अच्छा रिस्पॉन्स गया बहुत। बट अभी हम हाई क्रश के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये आज नया नया बच्चा पैदा हुआ है हमारा। थैंक यू। यस ऑफ कोर्स, हाई क्रश इज बीइंग रिलीज्ड बाय द बेस्ट वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट, बाय द प्रेस्टीजियस लेबल, सो व्हाई नॉट कॉल वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ कोर्स फ्रॉम वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट, मिस्टर चंपक जैन। Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome him on stage. And as we all know, Mr. Champak Jain is also the producer of this song and the video, and along with it, I'd like to call our co-producer, Miss Priya Gupta. Everybody, ladies and gentlemen, please put your hands together for the beautiful Mrs. Priya Gupta. Welcome, Priya. Very warm welcome. So, would you like to say a few words about the song, about Yash? Song, good melody, good lyrics, good singing. Overall, actually the overall album was very good actually. So even though it's the only Scott song, and the picturization is also good. Absolutely, yes. Sandroy, so I would like to call the director, Mr. Sandroy. Please put your hands together for the director of this amazing video, Mr. Sayan V. Roy. Absolutely.
Absolutely. And how can the stage be complete, this event be complete, without the lady of the video, Christina, the beautiful, gorgeous Christina? Can we please have you on stage? Oh, sure. Ladies and gentlemen, put your hands together for the leading lady of this video. Come on, we can make some noise. Come on. Welcome, Christina. Welcome. Christina, why don't you come here next to Yash? So, Sam, would you like to say a few words about the picturization of this video? How did it come forward? And about Yash, of course. Good evening, everyone. Actually, Yash came to my office with this song. And when I heard this song for the first time, then and there we decided ki we are going to do this video. And then it started like that. And then we proceed with the visuals and all. Then we selected this model. Absolutely. And the gorgeous model. Can we have the mic to her, please? She is very bad in English. She only I just want to ask her one question. She is good in Russian. She's good in Russian. I wish I was good with Russian. But Christina, I just want to ask you one question. Who is your favorite singer? Yash Wadali. Yes, thank you, Christina. I'm sure you enjoyed this video while shooting it. Yes, you had fun? Yes, very. Yes? We have amazing work together. Priya, we've not spoken to you. Priya, how do you feel? Ma'am. हमारे जो जय गुप्ता जी के हस्बैंड हैं, मैं उनको भी एक बार बुलाना चाहता हूं। एक बार विनील गुप्ता जी के लिए तालियां बजा दीजिए। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर विनील गुप्ता। He is my godfather, actually, यही है सब कुछ। मेरे माँ, मेरे बाप सब कुछ यही हैं, यही कर रहे हैं। तो इनको दोनों को एक बार माइक देता हूँ। मुझे इनकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और है, 23rd है, 24th होने वाली है, तो इनका बर्थडे भी आ रहा है। तो मैं भी इनको गाना गा के विश भी करूंगा। Congratulations. He says very sweetly, congratulations. Now before we let you sing, Yash, I think I'm going to call on stage Mr. Jaspinder Narula. Miss Jaspinder Narula, along with Gurpreet Chadda ji. And Navraj Paji. Navraj Hans Paji. Please welcome on stage and also bring the album cover to unveil. Warm welcome, please. इधर भी आ जाइए दो लोग. Ms. Shweta Khanduri, Lavil Arora, Shazwood, can we also please have you on stage for unveiling the album? All right, एक बार सब थोड़े पीछे आके लाइन में आ जाए so that a group picture can be taken. Ladies and gentlemen, a high crush being launched here in front of you. Released by the prestigious label Venus World Entertainment. Produced by Mr. Champak Jain and Mrs. Priya Gupta. Directed by the very talented Sayan V. Roy. And of course, the lead singer, Yash Wadali. Sir, le lo. Can I also invite Mr. Himanshu Soni on stage, please?
Basant ji, can we also have you on stage? Sufi, can we also have you on stage, please? ਖਾਸ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਯਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਗੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਯਸ਼ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਥ ਮੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਕੈਸ ਖਾਨ ਕੈਸ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਆ ਜਾਓ ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵਿਨਿਲ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉਮੇਸ਼ ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਲੋਹਿਤ ਭਾਈ घुमा दिया सलमान भाई तक भी घुमा दिया सो प्लीज कम भाई थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग Also like to call our special guests Akansha Singh, Naimun Khan, Swati Rajput, Prashant Sharma and Azizi. Can we please have you on stage? Can I also invite Mr. Javed to kindly come up on stage? Yash is an incredibly talented singer. Needless to say, inka pichla album bhi bahut pasand aaya tha, bahut appreciate hua tha. But this one is outstanding. I think Yash deserves to be amongst the top 10 singers, and he's already made a fantastic move with this album, and I'm sure 2018 is going to be his year. I'm wishing him all the best. I just saw the song right now, and I think it's a fantastic song. So I just want to wish Yash loads and loads of luck and for his future, because I think the song is going to be a super duper hit. And I think from Z's point of view, who also happens to be an incredible director, one of the directors that I personally revere, we've just shot something together, which is going to be out very soon. From his point of view, I'm sure the video is looking... Yeah, it's come out very, very nice. I was pretty impressed looking at that. And even the song has come out very good. So. Yeah, absolutely. बस उसी के बारे में अभी बात कर रहे थे he's a natural कुछ कुछ यू नो देयर आर सम टाइम्स यू
it becomes very difficult for you to actually figure out ki ye singer hain ya actor hain ya fir top singer ban sakte hain ya top actor ban sakte hain. There are sometimes, you know, you're gifted with multiple talents, you're born with it. I think Yash is one of them. Rest, I think from a, yeah, a expression point boy. Of view, he's the man to come in. He's a very good looking boy and he's acted very well. Like he said, that samajh mein nahi aata whether he's a good singer or a good actor, but it's very good what he has done. May 2018 be the finest year for you in your life, Yash. Wish you all the best. Wish you loads of luck, Yash, for the future.